मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश और प्रदेश के विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार ने श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री चौहान भोपाल स्थित ग्राम मुंगालिया छाप में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के आवासीय श्रमोदय विद्यालय के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। 30 करोड़ की लागत से बनने वाला आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए देश का इस तरह का पहला विद्यालय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे शिक्षित बने और देश प्रदेश के विकास में योगदान करें। श्रमोदय विद्यालय मजदूरों के प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाएगा। इस आवासीय विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसका भवन एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा। मध्य प्रदेश आज देश का सबसे अधिक विकास दर और सर्वाधिक कृषि विकास दर वाला प्रदेश है। तुम में से कोई डॉक्टर बने, तुम में से कोई इंजीनियर बने, तुम में से कोई कलेक्टर कमिश्नर बने, तुम में से कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर बने और बन के अपने परिवार का और अपना नाम रोशन करने का काम करे। वैसे तो प्रदेश के सभी बच्चों के लिए व्यवस्था होगी, लेकिन आज ये जो स्कूल हम खोल रहे हैं, जिसको प्रार आज बनना जिसका आज शिलान्यास कर रहे हैं, ये स्कूल मजदूरों के बेटा बेटियों को, वो जो बहुत अच्छे प्रतिभाशाली है, उनको पढ़ाई का काम देगा। ये हिंदुस्तान का पहला स्कूल होगा, मेरे बेटा बेटियों पहला स्कूल। उन्होंने गांव मुंगालिया छाप के किसानों की कैचमेंट एरिया की समस्या का निराकरण करने और ग्राम में खेल के मैदान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और गांव के हर घर में शौचालय बनवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल।